मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ एक एग्जांपल सॉल्व किया। अब हम आगे हमारा यह सिलसिला बढ़ाते हैं और फंड फ्लो स्टेटमेंट का, जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि यहाँ पे आपको नए एग्जाम्पल में चेंजेस क्या होंगे कि एडजस्टमेंट में जो दी हुई जानकारी वो किसी और अकाउंट से संबंधित होगी और जो जहाँ हमने वहाँ टैक्सेशन का अकाउंट बनाया था या इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया था उसके जगह अब हमें दूसरे असेट और लायबिलिटी के अकाउंट्स वहाँ पे क्रिएट करने होंगे। सेम ऐसा ही एक थोड़े बदलाव के साथ नया एग्जाम्पल लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, जहाँ हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। दो मिनट में एग्जाम्पल क्या कह रहा है वो देख लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ मधुकांत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर 2004। बैलेंस शीट दी हुई है जहाँ असेट और लायबिलिटीज आपको क्रमानुसार दिया हुआ है, साथ ही साथ जो अमाउंट के दो कॉलम है वो भी आपको बिल्कुल व्यवस्थित दिए हुए हैं। 1 जनवरी 2004 का फर्स्ट कॉलम है एंड 31 दिसंबर 2004 का सेकेंड कॉलम है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी हुई है। 10% डिविडेंड वॉज पेड इन कैश, न्यू मशीनरी फॉर ₹30,000 वॉज परचेज बट ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹12,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹4,000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिंग ₹6,000। मतलब एक ही एडजस्टमेंट में यहाँ आपको दो अलग अलग जानकारी मशीनरी से संबंधित बताई हुई है। जैसे कि हमने देखा कि मशीनरी अगर परचेस की है तो उसके बारे में वहाँ बताया है कि 30,000 की न्यू मशीनरी परचेस की है, और वहीं पे अगर हम देखें कि उसी एग्जांपल में उन्होंने हमें सेल्स के बारे में भी बता दिया है, जहाँ 12,000 की जो मशीन थी वो 12,000 की मशीन वहाँ पे सिर्फ 4,000 में बेची गई है, और 4,000 में बेचे जाने के बाद एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 का वहाँ पे बताया, फिर भी 12,000 में से 10,000 का हिसाब हो रहा है तो 2,000 वहाँ पे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। और ये सब प्रक्रिया हम कहाँ पे करेंगे, मशीनरीज अकाउंट के जब हम वहाँ पे बैलेंसिंग की प्रक्रिया करेंगे या जब वहाँ लिखेंगे तब वहाँ हम अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो इसकी वहाँ प्रक्रिया हमें लॉस की बतानी पड़ेगी। उसके बाद है देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर वाज नो फ्रेश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। मतलब जैसा कि हमारा फुल लेंथ एग्जाम्पल हुआ करता था वैसा ही ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे असेट और लायबिलिटी भी क्रमानुसार है तो हम भी स्टार्ट करेंगे अपने शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से, जहाँ पे हम लिखते हैं ए टाइप से करंट असेट, और करंट असेट में यहाँ पे आपको सबसे पहला आइटम दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस। अब कैश एंड बैंक बैलेंस को अगर हम देखें तो ओपनिंग और क्लोजिंग के दोनों में यहाँ पर 90,000 अमाउंट दी हुई है, मतलब ना डिक्रीज हुआ है ना इंक्रीज हुआ है, तो एज इट इज हमने लिख दिया बट उसका चेंजेस कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स की यहाँ पे जो अमाउंट दी हुई है वो है 67,000 और 43,000। अब यहाँ पहले 67,000 का फिर 43,000 हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रेट कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन है, तो 24,000 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ वर्किंग कैपिटल। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है वो भी लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी और करंट एसेट में कौन सी आएगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये लॉन्ग टर्म है और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी बताई हुई है। कच्चे हमने यहाँ पर ऐसा एक अकाउंट क्रिएट किया है जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमारी यहाँ पे दी हुई है, इस इन्वेस्टमेंट का एक जो बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग वो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये कब का है, 1 जनवरी 2004 का, जो दिया है 1,10,000, और साथ ही साथ इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरी डाउन
2004 और अमाउंट दी हुई है 74,000। इसके बाद कौन सी जानकारी हमें दी हुई है वो देखेंगे। उसके बाद बताया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये हमारे करंट असेट में आएंगे तो वो हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस और इसका ओपनिंग बैलेंस है 1000 और जो 31 दिसंबर का बैलेंस है 2000 मतलब यहाँ इंक्रीज हुआ है 1000 से सो डिक्रीज कॉलम में हम नील दिखाएंगे। उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड। ये भी ऑब्वियस कि करंट असेट है तो यहाँ पे भी आएगा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड की यहाँ पे जो अमाउंट दी हुई है वो है 82,000 1 जनवरी 2004 को और 106,000 31 दिसंबर 2004 या 31 दिसंबर 2004 को। यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है इंक्रीमेंट दिख रहा है मतलब 82,000 पहले था और अभी 106,000 हुआ है तो 24,000 से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो भी हम इंक्रीज कॉलम में वर्किंग कैपिटल के लिख देंगे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग बताई चाहिए जो पहले इसमें कॉलम में भी 150,000 है और दूसरे कॉलम में भी 150,000 है और ये शॉर्ट टर्म है क्या असेट नहीं करंट असेट है क्या नहीं फिक्स असेट है और फिक्स असेट होने के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं हुए साथ ही साथ एडजस्टमेंट में भी कुछ भी नहीं बताया है तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे वो हमारे उपयोग में फिलहाल यहाँ आने वाली चीज नहीं है। उसके बाद बताया हुआ है मशीनरीज और मशीनरीज का यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है साथ ही साथ मशीनरीज की परचेज और सेल्स दोनों की हमें प्रक्रिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या एडजस्टमेंट में बताई हुई है मतलब इसका हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ कर रखा है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है 1 जनवरी 2004 का 52,000 और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन जो है 31 दिसंबर 2004 का 70,000। अब यही हमारा जो असेट का जितना भी सेक्शन दिया हुआ है वो हमने पूरा कर लिया। उसके बाद अब हम चलते हैं लायबिलिटीज की ओर जहाँ पे कैपिटल एंड लायबिलिटीज बोल के आपको यहाँ जानकारी बताई हुई है या 2 साल की जो बैलेंस शीट दी हुई है वो है। उसमें सबसे पहला आइटम दिया हुआ है करंट सन्ड्री क्रेडिटर। तो अब यहाँ पे टोटल की प्रक्रिया हम बाद में करेंगे लिखते चलेंगे बी नंबर पे करंट लायबिलिटीज उसमें पहला दिया हुआ है क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स जो बताया वो पहले इसमें मतलब 1 जनवरी 2004 में है 13,000 और 31 दिसंबर 2004 में है 12,000। मीन्स यहाँ पे अगर डिक्रीज हुआ है तो हम वर्किंग कैपिटल के कौन से कॉलम में लिखते हैं इंक्रीज कॉलम में हम लिखते हैं। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे करंट लायबिलिटीज में आता है और इसकी अमाउंट है आउटस्टैंडिंग अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर्स की यहाँ पे 1 लाख सॉरी यहाँ अमाउंट मैंने थोड़ी गलत लिख दी सन्ड्री क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है वो है 1,03,000 और यहाँ पे जो है वो है 96,000 और इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो है 7,000 का जो डिक्रीज हुआ है करके हम वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज कॉलम में लिख रहे हैं। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 13,000 फॉर 1 जनवरी 2004 के लिए और 12,000 फॉर 31 दिसंबर 2004 के लिए। यहाँ भी सेम डिक्रीज हो रहा है करके हमने वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज कॉलम में 1000 रुपीज लिख दी। अब यहाँ भी जितने हमें आइटम्स दिए थे लायबिलिटीज के वो पूरे हो गए करंट लायबिलिटीज वाले आइटम पूरे हो गए। अब हम यहाँ पर स्टॉक में करते हुए जो कैलकुलेशन है वो बाद में कर सकते हैं जो बैलेंस शीट खाली करना कर रहे हैं मतलब यहाँ के हर एक पद को जहाँ जहाँ वो होना चाहिए उसके अप्रोप्रिएट ठिकाने पे लिख रहे स्थान पे लिख रहे तो वो काम कर लेंगे। उससे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने लिख दिया। अब बचा 8% डिबेंचर। अब ये जो 8% डिबेंचर है देखिए पहले 90,000 का था और आज की परिस्थिति में कितना है 70,000 का मतलब यहाँ पर और एडजस्टमेंट में कोई चीज बताई है क्या नहीं तो फिर हम यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि पहले डिबेंचर कितने थे हमारे पास 90,000 के और आज कितने हैं 70,000 के मतलब
20,000 का रीपेमेंट हो चुका है। और जब रीपेमेंट हो गया मतलब पैसा गया, और गया तो हम कहाँ लिखते हैं, एप्लीकेशन साइड में बाय रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स कितना 20,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन फंड। अब डेप्रिसिएशन फंड के बारे में आपको जानकारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है, जहाँ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 रुपीज का हमने वहाँ पे क्रिएट किया है। तो जब वो किया है मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट भी हम बनाएंगे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग की भी जानकारी है, साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर हमें मिलेगा या कुछ जानकारी तो हमें हासिल होगी ही होगी। तो जो डेप्रिसिएशन फंड है ये भी लायबिलिटी में आता है, तो इसीलिए इसकी शुरुआत या ओपनिंग हम क्रेडिट साइड से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 1/1/2004, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 31st December 2004 44,000। उसके बाद रिजर्व फंड। अब यहाँ पे रिजर्व फंड जो है वो 60,000 दोनों, इसमें नो चेंजेस वाली प्रक्रिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1st January 2004 16,000 एंड टू बैलेंस कैरी डाउन ऑन 31st December 2004 23,000। ये लिखने के बाद क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 2,30,000 इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। बैलेंस शीट को हमने पूरा एंट्री कर लिया है, जो इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्मेट में थी उसको पूरा एंट्री कर लिया है। उसके बाद दिया हुआ है 10% डिविडेंड वॉज पेड इन कैश। अब 10% ऑफ डिविडेंड वॉज पेड इन कैश जब यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये करंट ईयर के लिए हमें बताया हुआ, और कहाँ पे हम किस पे डिविडेंड पे करेंगे, हमारे कैपिटल पे। इसीलिए यहाँ क्लियर जानकारी आपको दी गई है कि इतने इतने अमाउंट में डिविडेंड दीजिए नहीं, बट यहाँ हमें थोड़ा घुमा के जानकारी पूछी गई है कि 10% डिविडेंड पेड इन कैश। तो सबसे पहले डिविडेंड पेड होगा मतलब वो पैसा हमारे से जाएगा, तो वो हम लिखेंगे हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड पेड बाय डिविडेंड पेड कितना 23,000, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो कितना है 2,30,000, और उसके 10% डिविडेंड दिया जाएगा तो वो आएगा 23,000। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी आएगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस भी है, तो टू डिविडेंड 23,000। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन बताइए, न्यू मशीनरी फॉर ₹30,000 वॉज परचेज। अब सबसे पहले इस एक एडजस्टमेंट में दो जानकारियां है करके इसको टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले परचेज का कर लेते, तो परचेज का क्या होगा, मशीनरी आ रही है और पैसा जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आया, तो मशीनरी आई, तो डेबिट में लिखते हैं टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितने की आई है 30,000 की, तो इसीलिए डेबिट साइड में 30,000 लिख दिए। अब कैश और बैंक अकाउंट जब 30,000 लिखा है, यहाँ पे परचेज भी लिख सकते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी आप फुल फॉर्म में अपनी कॉपी में बढ़िया लिखिएगा, ठीक है। जब इस 30,000 की मशीनरी परचेज की, तो 30,000 हमारे हाथ से गए भी, इसीलिए 30,000 हमारे हाथ से जाने के कारण हम एप्लीकेशन साइड में लिखेंगे बाय परचेज ऑफ मशीनरी कितना 30,000 कर दिया दोनों चीजें हमने यहाँ पे। अब उसी एडजस्टमेंट का दूसरा भाग और बाकी है, नहीं तो तब तक हम मशीनरी अकाउंट क्लोज नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहा है, बट ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹12,000 जिस
मशीनरी कितना हुआ है लॉस, 2000 रुपए का लॉस हुआ है। और अब जाके हम यहाँ पर जो हमारा अकाउंट दिया हुआ है मशीनरी का, उसको क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि मशीनरी के संदर्भ में जितनी जानकारी हमारे पास थी और हम उस पर कर सकते थे वो सब प्रक्रिया हमने कर ली। तो यहाँ पे टोटल होगी 82,000 और यहाँ की भी टोटल अगर हम करेंगे तो 70, 80 और 2, 82, मतलब 82,000 यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर से कुछ नहीं मिला। उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में अब हम इसको भी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी और कोई दूसरी हमारे पास ना है इन्फॉर्मेशन है ना कुछ है। तो 44 + 6,000 मीन्स यहाँ पे 50,000 हुआ और इधर की टोटल 40,000 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, अब ये 10,000 का क्या होगा, प्रोविजन होगी। और प्रोविजन कहाँ दर्शाई जाएगी, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करके हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविजन, या हम इसको नाम अकाउंट का दे देंगे बाय एडजस्टेड P&L अकाउंट। और ये जो P&L अकाउंट में जाएगा ये किस नाम से जाएगा, प्रोविजन फॉर करंट ईयर। कितने की हुई है प्रोविजन, 10,000 की, जो की है बैलेंसिंग फिगर। और जो जो चीज हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हैं वो हमें बैलेंसिंग फिगर दिखाना जरूरी है। और अब यहाँ पे प्रोविजन नहीं तो वो यहाँ एडजस्टेड P&L अकाउंट में लिखना ही पड़ेगा 2। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन फंड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फंड के नाम से भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। अब ये लिखने के बाद क्या बचा हुआ है, हमने पूरा भी कर लिया जो एडजस्टमेंट दिया था उसके बाद, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट एडजस्टमेंट है, देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बताया हुआ है और सीधा उसमें प्रॉफिट बता दिया, कितने में बेची ये नहीं बताया, तो वो कैसे मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर से। तो जो बताया है पहले वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू एडजस्टेड P&L अकाउंट, क्योंकि ये कहाँ प्रॉफिट कहाँ दर्शाते हैं हम, एडजस्टेड P&L अकाउंट में। तो तुरंत यहाँ लिखने चलेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000। और ये जो एडजस्टेड P&L अकाउंट लिखा है यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये लिख दिया हमने और इसको लिखने के बाद यहाँ पे 1,10,000 और 5,000, मतलब 1,15,000 डेबिट की टोटल और क्रेडिट साइड में 74,000 आए। मतलब अब हमने बेची कितने में, जिसपे ये 5,000 का प्रॉफिट हुआ है वो हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करेंगे बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें बताया नहीं था वो अब हमने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लिया, जिसकी अमाउंट आ रही है 41,000। और ये 41,000 प्लस 74,000 इक्वल टू 1,50,000। और ये अब हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भले ही क्लोज किया बट ये जो सेल किया है ये अभी तक लिखा नहीं है, याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। कि जो सेल हुआ है मतलब वहाँ पे हमें कैश मिली है, तो अब हमारे जो यहाँ फंड फ्लो स्टेटमेंट है इसमें सोर्सेस साइड में हम लिखेंगे टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने में किया गया है, 41,000 में। अब जो ये दो चीजें थी इसको मैंने बराबर एडजस्टेड P&L अकाउंट में पहुंचाया और ये जो कैश आई थी इसको सोर्सेस साइड में लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी जानकारी बाकी नहीं है, मतलब अब जितने अकाउंट हमने एक्स्ट्रा में बनाए थे सबसे पहले चेक कीजिए क्या वो हमने क्लोज किए, देखिए वर्किंग यहाँ लिखा है, मतलब यहाँ से हमारा अतिरिक्त पूरा वर्किंग
कैसे दिलाइए, बैलेंसिंग फिगर आपके जब पेपर चेक किए जाएंगे तो यहाँ पे वो बोला करके राइट देगा कि हाँ इन्होंने सही किया है। इसीलिए इसको बैलेंसिंग फिगर जहाँ जहाँ आता है वहाँ वहाँ दर्शाना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकला है 37,000 का फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और अब हमने जितना हमारा वर्किंग नोट का काम था वो पूरा कर लिया। अब हमारे मेन आंसर का सेकंड पार्ट जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट वो बाकी है, तो सबसे पहले उसको पूरा करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें यहाँ लिखना बाकी है टू फंड फ्रॉम ऑपरेशन और इसकी अमाउंट है 37,000। अब इसको क्लोज करना बाकी रह गया है। 37,000 ये आएगा 82,000 और इस साइड की भी टोटल ज्यादा है। तो इधर हम लिखते हैं बाय इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 9,000, 82,000 यहाँ पे टोटल हो गए और ये भी हमारा निकला है बैलेंसिंग फिगर से। अब यहाँ मेन बात ये है कि हमने इसकी टोटल अभी तक का नहीं की, जो अभी कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने पूरा यहाँ पे बॉक्स तैयार करके रखा है, बस उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि असेट साइड की 1 जनवरी 2004 की टोटल है 2,40,000 और 31 दिसंबर 2004 की टोटल है 2,41,000। और वही अगर लायबिलिटीज की बात करें तो पहली टोटल है 1,16,000 और सेकेंड टोटल है 1,08,000। और जब हमने ये टोटल पूरी कर ली तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि फाइनल हमारा वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इतनी टोटल करने के बाद हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल। और ये कैसे मिलेगा, ए माइनस बी, यहाँ पे बी की टोटल दिखा दीजिए और यहाँ पे ए की टोटल हम दिखा देंगे। अब ए और बी की टोटल जब कर ली तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा 1,24,000 और यहाँ पे 1,33,000। फिर से सेम सिचुएशन, करंट ईयर का वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर के वर्किंग कैपिटल से ज्यादा है, मींस इंक्रीज हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और 1,24,000 और 1,35,000 में 30,000 करने के लिए 6,000 और 35 करने के लिए 3 और मतलब 9,000 का फर्क है, करके यहाँ पर लिख देंगे 9,000। और यहाँ पर ही तुरंत हम ये बोल सकते हैं कि हमारी इधर की पूरी प्रक्रिया सही है, क्योंकि ये क्रॉस चेक हम यहीं पर कर सकते हैं कि हमारा दिया हुआ एग्जाम्पल सही है या नहीं। तो यहाँ पे 9,000 आया, साथ ही साथ जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे इस बाजू की 33,000 आएगी और इधर 24,000 ही है, मतलब यहाँ पर भी 9,000 की कमी है। जो मैंने आपको एक फंडा बताया था कि अगर हमें याद नहीं रह रहा है कि कैसे ये इंक्रीज है या डिक्रीज है समझना है, तो जब ये फर्स्ट और फोर्थ में होता है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और जब दो बीच के इसमें होता है तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब हमने जो ये लिखा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये भी सही है। और यहाँ पे टोटल होगी 1,33,000 और यहाँ पे 1,33,000। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट का सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि सेम टाइप के एग्जाम्पल रहने के कारण बार बार वही लेने से, अगर आपको इसकी प्रैक्टिसिंग के लिए क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप मुझे, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए कि हमें इसके लिए चाहिए, मैं आपको क्वेश्चन के PDF बना के प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन जहाँ तक के मेरा सवाल है या मेरा ख्याल है, ये दो एग्जाम्पल आपको ऐसे 10 एग्जाम्पल के समान है, क्योंकि चेंजेस जो होने थे वो मैंने 2 इसमें आपको यहाँ पे तफावत करके बता दी क्या बदलाव हो सकते हैं। जैसे पहले इसमें अकाउंट दूसरे थे, सेकेंड में अकाउंट दूसरे, बस क्रिया सरल ही करनी है। तो ऐसे हमने यहाँ पे अभी अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो यूनिट का आधा पोर्शन था वो पूरा किया। इसके बाद हम मूव करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। धन्यवाद।